नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल फसल तक में। दोस्तों आज मैं लेकर आ गया हूं एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें निकलोई वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताने जाऊंगा, जिसमें आपको कौन सी वैकेंसी निकली है, कितने पोस्ट हैं, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करनी है और क्या है लास्ट डेट, ये सारी जानकारियों के साथ साथ इसमें आपको क्या वेतन रहने वाली है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैं डायरेक्ट भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था मतलब कि IARI के वो वेबसाइट पर मैं आ गया हूँ, जिसमें मैं ICR और IARI के माध्यम से निकली हुई वैकेंसी के बारे में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सामने देखिए, आपको 3 मई को ये डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट मतलब कि 3 तारीख को जूनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी निकली हुई थी, फिर 3 को ही यंग प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई थी। इसके अलावा रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी निकली हुई है, 2 मई को निकली हुई है। 1 तारीख को आपको सीनियर रिसर्च फेलो की निकली हुई है और 26 तारीख को आपको रिसर्च एसोसिएट सीनियर रिसर्च फेलो यंग प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है। इसके साथ 22 को ही एक और वैकेंसी निकली हुई है रिसर्च फेलो की, रिसर्च एसोसिएट की 18 को निकली हुई है और 16-15 मतलब कि जितनी भी वैकेंसियाँ निकली हुई है लगभग 9 तारीख तक लास्ट वैकेंसी है जो 9 तारीख तक निकली हुई है, ये सारी जानकारी मैं दूंगा। ये इसका आखिरी डेट जो है वो 7 मई को है, ठीक है। इसके बाद 14 मई को, जो कि आपके पास काफ़ी समय है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आज से लगभग आपको 10-12 दिन का समय है इस वीडियो को, 10-5-6-7 दिन का समय है इस वीडियो को, इस फॉर्म को फिलअप करने का और जमा करने का, ठीक है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, तो मैं एक एक करके बताऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपको एक दो हम वैकेंसी के बारे में बता दे रहा हूँ, जो कि देखिए ये जो 3 तारीख वाला वैकेंसी है, 3 मई को जो निकला है वो 22 मई तक का है, और अपना जो 3 को ही एक और वैकेंसी निकली वो 20 तारीख तक का है, इसके बाद 25 मई तक का है। ये सारी वैकेंसी मतलब कि लगभग आपको 7 तारीख से 25 तारीख के बीच की निकली हुई वैकेंसी का आखिरी डेट है फॉर्म फिलअप करने का, जमा करने का। कैसे फॉर्म भरने हैं ये सारी जानकारी इसमें रहेंगी। तो एक एक फॉर्म वीडियो को ओपन करते हैं। देखिए ये देखिए अपना PDF डाउनलोड हो गया है। देखिए अपना ये ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू होने वाले हैं, मतलब कि डायरेक्ट वैकेंसी है ये, ठीक है, जो 22 तारीख तक भरी जाएगी और अपना 27 तारीख को, 22 तारीख लास्ट डेट है और 27 तारीख को इंटरव्यू होगा इसका। इसमें क्या रहने वाले वेतनमान ये आपको देख रहा है, 1 पोस्ट इसमें है और एग्रीकल्चर मतलब कि पूरी वैकेंसी जो भी है, जो भी वैकेंसी है उसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होने वाली है वो आपका एग्रीकल्चर होने वाली है, ठीक है। तो एक एक दो दो पोस्ट निकले हुए हैं, कुल मिला के 15 पोस्ट हैं, तो इसको आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही आपको जो आपका लास्ट एक और वैकेंसी में दिखा दे रहा हूँ, जो 9 अप्रैल 2024 को निकली है लास्ट वैकेंसी है, इसका मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए ये अपना PDF खुल गया, ओपन हो गया, जूनियर रिसर्च फेलो की है, ठीक है, और फील्ड वर्क हेल्पर की वैकेंसी है, ठीक है। इसका जो इंटरव्यू डेट है 7 मई को है, 30 तारीख तक भरने का डेट था जो कि शायद लेट हो गया, तो इसको ना आप लोग भरिएगा, ठीक है। तो इसको हटा दे रहे हैं, आप ये 12 तारीख तक का देख लीजिएगा, 12 तारीख को इंटरव्यू डेट होगा, तो ये सबको आप भर लीजिएगा। एक बार जाकर वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा कौन से वैकेंसी का इंटरव्यू डेट है और अप्लाई डेट कब तक है, ये सारी जानकारी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद।